श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जाय, अपने अपने गुरुदेव की जाय। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सो कभी हिंदी में, कभी तेलुगु में, कभी इंग्लिश में, कभी कुछ और भाषा में मैं शिफ्ट करते रहती हूँ, तो जिस भाषा में पिछली बार बात की थी वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगने लगती है, और फिर ये भाषा में थोड़े शब्द मुझे आते नहीं हैं। ऑफकोर्स एक हाफ एन आवर में मैं पिकअप कर लूँगी, तो अगर ठीक से बोल नहीं पाऊँ तो क्षमा करना, बट आई एम ट्राइंग। पिछले 7-8 महीने से लॉकडाउन में हिंदी क्लासेस कुछ कम ही रहे हैं, इंग्लिश क्लासेस ही ज़्यादा हुए हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कर्म के रहस्य। सो ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना था, इसके पीछे एक कारण है। ये क्लास मैंने अंग्रेजी भाषा में भी अमेरिका के कुछ कोई सेंटर के लिए दिया था, तो बहुत सारे हिंदी भाषी भक्त मुझसे नाराज़ हुए हैं, इसलिए उनके लिए मैं आज हिंदी में इसी क्लास को दोहरा रही हूँ। तो ये क्लास का चयन इसलिए किया था कि मैं पिछले 7 महीने के लॉकडाउन में मेरा जो छोटा बेटा है वो एक कोडिंग क्लास कर रहा है, तो उस क्लास में वो जो है ऐप बनाना सीखते हैं, वीडियो गेम्स बनाना सीखते हैं। तो उसने एक छोटी सी वीडियो गेम बनाई है जिसमें एक मछली होती है, और उस मछली को जो है अपने मदर फिश के पास जाना है। और ये कोडिंग मतलब ना, वो लोग पहले ही निर्धारित कर देते हैं कि आप क्या करोगे तो आपके साथ क्या होगा। मतलब राइट में जाओगे तो एक बड़ी मछली आपको खा लेगी, आप लेफ्ट में जाओगे तो कुछ कांटे वाले श्रब्स जो है आपको घेर लेंगे। तो गेम बनाने के बाद मुझे वो बोल रहा था कि मम्मा आप एक बार देखिए कैसा है। तो मैं जब वो गेम को खेल रही थी तो मेरे मन में एक विचार आया जिससे ये पूरी टॉपिक की मेरी शुरू हुई। मैं सोच रही थी कि हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है, हम यहाँ पे है छोटी सी मछली, और हमें जाना है ठाकुर जी के पास, भगवान के पास, गोलोक धाम जाना है हमें। और ये जो हमारा जर्नी है उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। अगर बाएं जाएंगे तो कभी माया पकड़ लेती है, कभी यहाँ जाएंगे तो ये पकड़ लेते हैं, कुछ बंधन, कुछ चीज़ें हमें भगवान से दूर करती है। तो अभी एक इस गेम का अगर आप देखो तो ये पूर्व निर्धारित है सब कुछ, लेकिन इस पूर्व निर्धारित गेम में भी थोड़ी सी स्वतंत्रता मेरी थी। हालांकि ये गेम पूरी पहले से बनाई हुई है कि राइट जाने से क्या होगा, लेफ्ट जाने से क्या होगा, लेकिन मैं राइट जाऊंगी या लेफ्ट जाऊंगी वो मेरी इच्छा है, वो पूर्व निर्धारित नहीं है, वो स्वतंत्रता मेरी है। तो अगर मैं राइट चॉइस करूँगी तो मैं भगवत धाम जा सकती हूँ। तो मैंने यही सोचा कि इस गेम की तरह हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है। अब वो मछली राइट चॉइस करेगी तो बड़ी मछली के पास जा सकती है, हमारा जीवन भी ऐसा है। प्राय सब कुछ पूर्व निर्धारित है, लेकिन थोड़ी बहुत स्वतंत्रता हमारे पास है, हम क्या चॉइस करते हैं। और अगर हमें सही चॉइस करना आ जाए तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। उसका मतलब एवरीथिंग इज डिपेंडेड अपॉन द चॉइस, हम क्या चॉइस करते हैं। अब चॉइस करने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और उसके लिए भगवद गीता का, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हमें सही चॉइस कैसे करनी है सिखाया जाता है। तो मैंने यही सोचा कि भगवान और हमारे बीच में ये जो हम चॉइस, ये जो वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, चयन करना, इस चयन करने को कहते हैं कर्म करना, यानी कार्य करना। तो मैं जो कर्म करूँगी उसके अनुसार निर्धारित होगा कि मैं कहाँ जाऊँगी। ऊपर भगवत धाम जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, ये स्वतंत्रता हमारी है। तो हमें सही चयन करना है, और ये सही चयन करने के लिए भागवत और भगवद्गीता का ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम गलत चयन कर लेंगे। तो
इसके पहले कि मैं इस क्लास को शुरू करूँ, एक छोटी सी कहानी बताऊँगी, और फिर क्योंकि पूरे क्लास में कोई कहानी नहीं है और काफ़ी बोरिंग सा हो सकता है ये क्लास, तो पहले कहानी और उसके बाद बाकी का क्लास हम शुरू करते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक दक्षिण भारत के एक मंदिर में भगवान ठाकुर जी का, कृष्ण भगवान का एक मंदिर था, और ठाकुर जी कैसे मंदिर में तो है वो विग्रह के रूप में खड़े रहते हैं अपनी मुरली को लेके। तो उस मंदिर में भगवान का एक प्रेमी भक्त था, वो मंदिर की साफ़ सफाई करता था। तो एक दिन जो है वो ठाकुर जी के पास जाके बोलता है कि ठाकुर जी आप बोर नहीं हो जाते पूरा दिन जो है आप मंदिर में जो है आप ऐसे खड़े रहते हो और बस आप एक ही मुद्रा में खड़े रहते हो, ना कभी बैठते हो ना कभी कोई आराम करते हो। तो ठाकुर जी बोलते नहीं बस मुझे तो आदत हो गई है। तो बोलते नहीं नहीं आपको आराम करना चाहिए, देखिए मैं भी पूरा दिन साफ़ सफाई करता हूँ लेकिन कभी कभार मुझे भी आराम करने के लिए मिलता है, आप तो 24 घंटा खड़े रहते हो, तो मैं ना आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो ठाकुर जी ने बोला कैसी सेवा? बोलता है मैं ना एक दिन के लिए आपको रेस्ट देना चाहता हूँ, मैं आपकी जगह में आ जाता हूँ आप आराम करो। तो अब भगवान तो भक्त के प्रेमी है, बोला ठीक है चलो तो तुम जो है मेरी जगह पर आ जाओ, मैं आराम करता हूँ लेकिन एक शर्त है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ खड़ा रहना है, बस ऐसे हाथ रखने हैं लेकिन तुम्हें कुछ भी करना नहीं है, तुम्हें कोई डिसीजन नहीं लेना है, किसी के प्रार्थना में जो तुम्हें इंटरफियर नहीं करना है। तो उसने कहा नहीं नहीं पक्का बिल्कुल नहीं, बस मैं शांत खड़ा रहूँगा। बोला ठीक है। तो अब एक दिन जो निर्धारित दिन था आया, ठाकुर जी रेस्ट करने के लिए चले गए और हमारा जो ये झाड़ू देने वाला था वो एकदम जो है भगवान की जगह पर खड़ा रह गया। अब क्या हुआ, पहले एक अमीर आदमी आया, उसने भगवान का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद कुछ जेब से 2000 के कड़क कड़क नोट निकाले, हुंडी में डाले, भगवान से प्रार्थना करने लगा। लेकिन क्या हुआ, वो हुंडी पे में जब पैसे डाले तो मनी पर्स जो है वो हुंडी में ही भूल गए, हुंडी के ऊपर में भूल गए। उसके बाद में एक गरीब आदमी आया, उसने भी हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की, बोला मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है, भगवान आप मेरी रक्षा करो, मेरे कुटुंब परिवार की रक्षा करो। और उसके पास जो एक दो चार कॉइन्स थे उसने भी जो है हुंडी में डाले और हाथ जोड़ के जो है खड़ा रह गया। और जब वो जो है हाथ जोड़ के खड़ा रहा, प्रार्थना किया और उसने आँख खोली तो उसने क्या देखा, हुंडी पे जो है वो मनी पर्स पड़ा हुआ था अमीर आदमी का। तो उसने सोचा कि आसपास में कोई है नहीं, कोई इसको मतलब कोई बोल भी नहीं रहा है कि ये मेरा है, तो चलो मैं इसको ले लेता हूँ, ये शायद भगवान की कृपा है। तो वो क्या करता है, उस मनी पर्स को लेता है और चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद में वहाँ पे एक मर्चेंट नेवी, जो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं ना, जो सेलर नाविक जो होते हैं, एक नाविक आया वहाँ पे, तो जो समुद्र में जो जहाज़ लेके जाते हैं, तो उसने भी जो है हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की कि मेरा आज जल यात्रा प्रारंभ होती है तो आप मेरी रक्षा करना। तो ठाकुर जी मतलब जो हमारे जो डुप्लीकेट भगवान है वो आशीर्वाद दे रहे हैं। मीनवाइल क्या हुआ, ये धनी आदमी ने देखा कि मेरा मनी पर्स मिसिंग है, तो उसको याद आ गया अरे शायद मैं मंदिर में भूल गया होगा। अब उसको पता है इतनी नोटों से भरा हुआ पर्स अगर कोई हुंडी पे भूल जाता है तो क्या मिलेगा उसको जाने के बाद। तो वो पुलिस कंप्लेन कर दिया और फिर पुलिस को लेके मंदिर के अंदर में जो आया, तब तक सारे भक्त चले गए थे, ये नाविक खड़ा हुआ था। अब इसने इमीडिएटली बोला कि इसी ने चोरी किया है क्योंकि और कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है, बोला इसी ने चोरी किया है इसको पकड़ लो। तो पुलिस, अब जो धनी आदमी है उसकी बात सुनते हैं, तो पुलिस जो है वो नाविक को पकड़ रही थी और वो नाविक बोल रहा था मैंने नहीं लिया, मैं तो अभी आया बस मैं प्रार्थना कर रहा था। नहीं नहीं तुमने लिया है, कहाँ रखा तुमने, कहाँ छुपाया बताओ। अब ये जब चल रहा है तो हमारे जो डुप्लीकेट भगवान है उसने तो हमारे ओरिजिनल भगवान को प्रॉमिस किया था कि मैं मुंह नहीं खोलने वाला हूँ, लेकिन जब ये अन्याय हो रहा है तो उससे देखा नहीं गया, उसने मुंह खोल दिया और बोला कि बस स्टॉप करो, अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा, ये गलत हो रहा है, इसने कुछ नहीं लिया है। इसके पहले एक भिखारी आया था, एक बहुत ही गरीब आदमी आया था, उसने जो है लिया है मनी पर्स, इस आदमी ने नहीं लिया है। तो फिर जो है पुलिस उसको ढूंढते हुए गए उस गरीब आदमी को और उसको पकड़ लिया। अब ऐसे वैसे दिन पूरा चला गया, शाम को संध्या आरती हुई, ठाकुर जी वापस आ गए अपने ऑल्टर में। जब वे ऑल्टर में आ गए तब उसने उस सफाई कर्मचारी से पूछा तो कैसा रहा तुम्हारा दिन, आज तो तुम जो भगवान बन के बैठे थे। तो बोला पूछो ही मत, पूरा दिन इतना मैं तो थक गया। थक गया तुमको तो मैंने बोला था कुछ भी मत करना सिर्फ खड़े रहना। बोलता है ऐसा थोड़ी होता है, खड़े रहने से कितनी सारी समस्याएं होती है सॉर्ट आउट करनी पड़ती है। बोलता है अच्छा क्या समस्या तुमने सॉर्ट आउट की। तो इसने पूरा पूरा जो है बता दिया ठाकुर जी को। फिर ठाकुर जी जो है सिर पे हाथ लेके मैंने तुमको बोला था कि तुम इंटरफियर मत करना, कुछ भी मत करना सिर्फ खड़ा रहना, तुमने ऐसा क्यों किया।
अब ये सफाई कर्मचारी बोलते मैंने तो अच्छा ही किया, इसमें मैंने गलत क्या किया। तो फिर ठाकुर जी ने बोलते कि नहीं नहीं तुम्हें पता नहीं, ये सारा मेरा प्लानिंग था। ये जो अमीर आदमी है जो अपना पर्स वहाँ पे भूल के चला गया था, वो 2-4 दिनों में मर जाने वाला है, और उसने आज तक कोई भी अच्छा काम किया नहीं है लाइफ में। तो मैं चाहता था कि ये जान मूझ के जो अपना मनी पर्स यहाँ भूल जाए, और जो गरीब आदमी है इस पर्स को लेके जाए। तो अज्ञात सुकृति मतलब इनडायरेक्टली जो है विदाउट हिज नॉलेज भी उसने गरीब की सेवा की, तो उसको कुछ तो पुण्य मिलेगा, और बाय दैट उसको जो है भगवान के बारे में जानने का और मौका मिलेगा, उसको जो है यम दंड जो है उसका थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैं उसकी सहायता करने की कोशिश कर रहा था। और ये जो गरीब आदमी है जो पर्स लेके चला गया, अगर उसको आज पैसे नहीं मिलते तो जो है वो मर जाने वाला था, क्योंकि उसने बहुत दिनों से खाया नहीं था, उसके फैमिली मेम्बर्स ने भी खाया नहीं था। तो मैं उसकी मदद करना चाह रहा था, तुमने तो उसको जेल भेज दिया। और ये जो नाविक है जो आज जहाज समुद्र में ले जाने वाला था, आज जो है समुद्र में तूफान आने वाला है, जहाज डूबने वाला है, मैं उसको बचाना चाह रहा था, इसलिए मैं आज रात उसको जेल में रखना चाह रहा था, सो दैट जहाज उसे छोड़ के चला जाए और वो जो है बच जाए डूबने से। तो तुमने तो मेरी पूरी प्लानिंग जो है ख़राब कर दी। तो फिर ये सफाई कर्मचारी बोलता है, अरे बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं था ठाकुर जी आप इतना कुछ प्लानिंग करते हो एक एक पर्सन के जीवन में। फिर ठाकुर जी ने बोला, हाँ बहुत सारी प्लानिंग लगती है। तो उस ये कहानी मेरा कहानी आपको बताने का मकसद ये था कि हमारे जीवन में जो भी होता है, छोटी सी छोटी घटना, एक फाइल जो हम कभी हमारे कमरे में भूल जाते हैं, या पेन की इंक ख़त्म हो जाती है, हर एक चीज़ जो है वो पूर्व निर्धारित है, या तो भगवान के प्लान के अनुसार ही हो रही है हर एक चीज़। हमने पूर्व में क्या कर्म किए थे, हमने अब इस जन्म में क्या कर्म किए थे, भगवान की क्या इच्छा है, सामने वाले पर्सन के क्या कर्म है, ये सब कुछ मिलझोल के जो है एक घटना घटती है। तो ये जो कर्म की गुत्थी है, बाप रे, बड़ी ज़बरदस्त है, इसको समझना बहुत ही जटिल है, बहुत ही कठिन है। तो क्या है ये कर्म, क्या है ये कर्म, एक विज्ञान है। इसको समझने से क्या होगा, हम सही चॉइस करेंगे और फिर हमारा जीवन सही दिशा में जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज हम भगवान से दूर है ओनली बिकॉज ऑफ कर्म। अगर कर्म ठीक करेंगे तो हम भगवान के पास जा सकते हैं। ये कर्म ही हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में जो है हमें फंसा के भौतिक जगत में रख रही है। तो ये कर्म है क्या, सरल भाषा में बताया जाए तो कर्म माने कार्य। और भगवद गीता में बोला गया है कि कर्म जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक है सुकर्म माने अच्छे कर्म, एक है विकर्म माने बुरे कर्म, और एक है अकर्म माने ऐसा कर्म जिससे ना कोई अच्छे रिजल्ट आते हैं, जिससे ना कोई बुरे रिजल्ट आते हैं। ये हमें ये कर्म करने से हम इस भौतिक जगत में नहीं फंसते हैं, हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो कर्म, विकर्म और अकर्म। ये जो विकर्म है ये क्रेडिट कार्ड जैसा है। क्रेडिट कार्ड में हम क्या करते हैं, पहले खर्चा करते हैं बाद में पैसा भरते हैं। तो विकर्म ऐसा है, पहले हम एंजॉय करते हैं सिनफुल एक्टिविटीज़, पाप करते हैं, एंजॉय करते हैं, जो खाना खा लिया, जो मर्जी चले गए, उसके बाद भरपाई तो करनी पड़ती है। आपको क्रेडिट कार्ड वाले छोड़ते हैं क्या, जब आपने खर्चा किया है तो आपको पैसा तो पे करना ही पड़ेगा। तो हम ये जो दुष्कर्म कर लेते हैं, कभी कभी हमारी इंद्रिया हमें जो है खींचती है गलत कार्य करने के लिए, तो हम कर बैठते हैं, लेकिन बाद में उसका भुगतान हमें करना पड़ता है। तो ये क्रेडिट कार्ड जैसा काम करता है। और ये जो सुकर्म है, अच्छे कर्म है, वो डेबिट कार्ड जैसा है। डेबिट कार्ड में आप क्या करते हो, पहले आपको पैसा भरना है, उसके बाद में आप कार्ड जहाँ चाहो वहाँ यूज़ कर सकते हो। तो सुकर्म भी ऐसे है, पहले आप थोड़ा मेहनत करोगे, अच्छे कार्य करोगे, इंद्रियों को नियंत्रण में रखोगे, और फिर आगे चल के जो है आप उस सुकर्म के अच्छे फलों को एंजॉय करोगे। तो ये है कर्म की परिभाषा। कर्म माने कार्य करना, और बिना कार्य किए तो हम नहीं रह सकते। हमको ये शरीर जो दिया हुआ है, सम और दी अदर एक्टिविटी तो हम करेंगे, पर कम से कम हम चयन कर सकते हैं कि हम क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो जिस तरह से इस दुनिया में हर एक चीज़ के पीछे एक लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है, एक साइंस है, एक विज्ञान है, उस तरह से ये कर्म है, ये भी एक विज्ञान है, एक साइंस है, एक कानून है कर्म का।
हाँ, सो ये कर्म का कानून क्या कहता है कि आप जैसे कर्म करोगे आपको वैसा फल मिलेगा। सिंपल भाषा में, जैसे आपके साइंस में न्यूटन का लॉ नहीं होता, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो बस ये कर्म भी ऐसा ही, हम जो भी करते हैं हमें उसका फल भुगतना पड़ता है। अब ये कर्म ऐसा है, ये कर्म भेदभाव नहीं करता, पार्शियल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये छोटी सी बच्ची है ना इसलिए इसको कर्म के फल नहीं लगते, ये बड़े हैं ना इसको कर्म के फल लगेंगे, नहीं, सबको कर्म के फल भुगतने ही पड़ते हैं, सब पे कर्म के विज्ञान लागू है। ऐसा नहीं है कि इस पे लागू है इस पे लागू नहीं है, सब पे चलता है ये कर्म का फल। जिस तरह से कोई भी विज्ञान, आज आप देखो गुरुत्वाकर्षण, लॉ ऑफ ग्रेविटी जिसको हम बोलते हैं, ये कितना इम्पार्शियल है, किसी को भेदभाव नहीं दिखाता। अगर कोई छोटी सी बच्ची 14 माले बिल्डिंग पे चढ़ के वहाँ से कूद जाएगी तो ये जो गुरुत्वाकर्षण लॉ है वो भेदभाव नहीं दिखाता कि ये छोटी सी बच्ची है ना इसलिए मैं इसको अपनी ओर आकर्षण नहीं करूँगा, ये नहीं गिरेगी। नहीं, लॉ ऑफ ग्रेविटी इज़ एप्लीकेबल टू एवरीबडी। छोटा बच्चा खोदेगा तो भी वो गिर के मर जाएगा, बड़ा आदमी खोदेगा तो भी वो गिर के मर जाएगा। एक अगर छोटी सी लड़की है, अगर उसने आग में हाथ डाल दी तो अग्नि जो है वो पार्शियल नहीं होती, छोटी बच्ची है मैं इसको हाथ नहीं जलाऊंगा इसको पता नहीं है ना, नहीं, पता हो नहीं हो ये एप्लीकेबल है। तो उसी तरह से ये जो कर्म होता है, आपको वेदर ज्ञान हो ना हो, ये कर्म जो है किसी को भेदभाव नहीं दिखाता, आप जो करते हो उसका आपको भुगतना ही पड़ता है, अच्छा या तो बुरा। इसलिए तो श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि जिस तरह से अगर किसी गाय को आप किसी गौशाला में छोड़ दो जहाँ पे हजारों बछड़े हैं, तो ये गाय जो है हजारों बछड़े में भी अपना बछड़ा कौन है, कौन सा है वो ढूंढ ही लेगी, उसको कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से ये जो कर्म है, हमने जो कर्म किए हैं, हजारों लाखों लोगों में भी वो ढूंढ लेगा किसको फल देना है। इसलिए तो आप देखिए रास्ते में हजारों लोग चलते हैं लेकिन किसी एक आदमी का चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है, किसी एक आदमी को जो है ट्रक ठोकर लगा देती है, क्यों? इतने लोग चल रहे थे लेकिन ये क्यों मर गया? क्योंकि पूर्व के किए हुए जो कर्म है, ये जो कर्म का जो उसने किया है वो कर्म उसे छोड़ता नहीं है। तो ये कर्म जो है ये पार्शियल नहीं है, ये कर्म सबको लागू है और ये कर्म जो कोई भेदभाव नहीं दिखाता। तो इसलिए हमें कितना केयरफुल रहना चाहिए कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। अब किसी का ये प्रश्न हो सकता है, अगर ये बात सच है तो कभी कभी हम हमारे जीवन में देखते हमारे आँखों के सामने कुछ लोग बुरा कर्म कर रहे हैं लेकिन वे आनंद में है, हैप्पी है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तब हमें समझ में नहीं आता कि क्या ये कर्म का विज्ञान सच में काम कर रहा है। तो फिर कभी कभी हम देखते जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरा हो रहा है, जो बुरे लोग हैं उनके साथ अच्छा हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है? तो इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि ये जो कर्म है, ये जो कार्य है वो क्या है। जिस तरह से हम जब खेती बाड़ी करते हैं तो खेती बाड़ी करते समय हम क्या करते हैं, बीज को बोते हैं ना, तो जब आप बीज को बोते हो तो क्या साथ ही साथ 10-15 मिनट में आपकी फसल आ जाएगी? क्या फसल तो नहीं आएगी, पहले बीज को बोएंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर वो छोटा सा पौधा उगेगा, फिर पौधा का बड़ा सा वृक्ष बनेगा, वृक्ष में फल आएंगे, फिर जाके जो है आप फल को खा सकते हो। तो उसी तरह से हम जो भी कार्य करते हैं इस संसार में, इस भौतिक जगत में, वो सिर्फ बीज बोने का काम करते हैं। तो हर बार हम जो कार्य कर रहे हैं वो बीज बोना है, बस हम हर बार बीज बो रहे हैं, लेकिन ये बीज कब आएगा ये हमें पता नहीं है, क्योंकि कभी कभी कुछ बीज जल्दी आ जाते हैं, कभी कभी कुछ बीज देर से आ जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये जो कर्म है, कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे ये आदमी बुरा काम कर रहा है लेकिन अच्छा क्यों हो रहा है उसके साथ में? नहीं, अच्छा नहीं हो रहा है, ये उसके पूर्व के कुछ अच्छे कर्म होंगे। जिस तरह से आप देखो गांव में जब लोग गेहूं का और चावल का हार्वेस्टिंग करते हैं ना, जब फसल आती है तो उसको जो है वे काट के एक मेटालिक बिन में रख देते हैं। अब जब वो बिन में रख देते हैं, हर साल की फसल तो रखते जाते हैं ना, पिछले साल की फसल, उसके पहले साल की फसल, उस पर इस साल की फसल। अब क्या होगा, इस साल सपोज़ उसने ऐसी कोई फसल की है जो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की नहीं है, शायद जो गेहूं या चावल है एकदम सी ग्रेड क्वालिटी है,
लेकिन आप देखोगे वो जो व्यवहार कर रहा है, जो खा रहा है वो ए ग्रेड है, तब आप सोचोगे ऐसे कैसे हुआ, उसकी फसल तो सी ग्रेड थी लेकिन वो जो खा रहा है वो ए ग्रेड है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो बिन्स होती है जिसमें वे अपनी फसल डालते हैं, वे जब अपनी पुरानी फसल, जो नई फसल डालते हैं, लेकिन लेते समय पुरानी फसल जो है वो नीचे से लेते हैं, मतलब इतना लंबा सा बिन होता है, ऊपर नई फसल डालते रहते हैं और पुरानी फसल जो है नीचे 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 चली जाती है, और जब उसे उपयोग करना होता है तो पहले वे नीचे से निकालते हैं जो फसल है। तो उसका मतलब अगर ये साल उसकी फसल बेकार भी हो, लेकिन शायद वो जो बेच रहा है या खा रहा है वो अच्छी फसल है, उसका मतलब पूर्व में उसने कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिसका फल उसे अब मिल रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हर एक बीज इमीडिएटली नहीं उगता, टाइम लगता है। आप देखिए हमारे डे टू डे लाइफ में भी, जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खा ली तो साथ ही साथ में सर्दी नहीं होती है, एक दो दिन में सर्दी हो जाती है। किसी को धूम्रपान करने की आदत है, साथ ही साथ में उसका लंग्स ख़राब नहीं होंगे, कुछ सालों के बाद में ख़राब हो जाता है। किसी को नशा करने की आदत है तो क्या होगा, कुछ सालों के बाद में जो है उसका लीवर ख़राब हो जाएगा, राइट? तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका इमीडिएट इफ़ेक्ट आता है। आज आपने मतलब कुछ ठंडा खा लिया, एक दो दिन में सर्दी हो गई, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसके बहुत सालों के बाद में अफेक्ट आता है, राइट? बट अफेक्ट तो आता ही है। तो जो आपने सीड, आपने जो बोया है, उसका फसल तो आएगी, और एक बार बोने के बाद में आप कुछ नहीं कर सकते उस फसल का। एक बार जो आपने बीज बो दिया है, अब वो कांटा वाला झाड़ आएगा या अच्छा फल वाला आएगा, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अब आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें कितना केयरफुल रहना चाहिए कि हम कौन से बीज बो रहे हैं, कौन से बीज बो रहे हैं। तो हमारे साथ जीवन में जो भी हो रहा है, हमारी पहले के बोए हुए बीज है, इसलिए हमें कितना केयरफुल रहना चाहिए। मैं पिछले क्लास में ही बता रही थी कि लोग बोलते हैं कि इस दुनिया में हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाने वाले हैं, ये कितना गलत है। कोई खाली हाथ आता ही नहीं है, सब अपने साथ में पूर्व के कर्म को लेके हुए लेके आता है, पूर्व के कर्म का सारा बैगेज उठा के आता है। हमारा जो अस्तित्व है, हमारे दो शरीर होते हैं, एक तो सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ, एक तो स्थूल शरीर है जो पंचभूत से बना हुआ है। ये जो स्थूल शरीर है, ये मृत्यु के समय हम यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये हम अलग अलग योनि में, अलग अलग शरीर में हमें लेके जाता है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, वे हमारे कर्म का लगेज भी उठाता है। हमने पूर्व में जो कर्म किए हैं, कुछ कुछ कर्म का फल उसी जीवन में भोगना पड़ता है, और कुछ कुछ फल हम आने वाले जीवन पर कैरी करते हैं, आने वाले जन्म में हम उसको साथ में लेके जाते हैं। इसलिए हमें कितना कितना केयरफुल होना चाहिए। तो जब भी हम देखें कि कॉज एंड अफेक्ट, माने हमने जो कार्य किया उसका फल जैसे कार्य किया है वैसा नहीं मिल रहा है, उसके विपरीत मिल रहा है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे पूर्व के कर्म भी कुछ ऐड हो रहे हैं। आप देखिए कभी कभी किसी विद्यार्थी के जीवन में भी, वो इतनी मेहनत करके पढ़ता है, लेकिन जब एग्ज़ाम अटेंड करता है तो देखता है कि ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं जिसका उत्तर उसे पता नहीं है। अब उसको बहुत बुरा लग सकता है कि मैंने इतनी मेहनत की लेकिन फल देखो बेकार का। कभी कभी कुछ विद्यार्थी के जीवन में देखो, बिल्कुल कुछ पढ़ाई नहीं की है, एग्ज़ाम के पहले बस एक 4-5 क्वेश्चंस यहाँ वहाँ देख लिए, लेकिन जब वो एग्ज़ाम लिखने गया तो वही 4-5 क्वेश्चन जो वो देख के गया था, बस वही एग्ज़ाम में आया। तो अब इसमें आप क्या बोलेंगे? उसने पढ़ाई की नहीं है, मेहनत की नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट इतना अच्छा है। किसी ने मेहनत की है लेकिन रिज़ल्ट इतना बुरा है। तो जब हमें ऐसा हमें जब दिखाई देता है कि भाई कॉज इज इक्वल टू अफेक्ट, माने क्रिया इज इक्वल टू परिणाम नहीं है, उसका मतलब यहाँ पे कुछ और फैक्टर भी है। पूर्व जन्म के हमारे कुछ कर्म भी इसमें एडेड है, हमें ये बात समझ लेनी चाहिए। अदरवाइज डे टू डे तो हर चीज़ बहुत सिंपल, कॉज एंड अफेक्ट, बस यही कार्य करो और उसका परिणाम है ना। आज आप देखो, अगर आपके पेट में दर्द है, आप डॉक्टर के पास जाओ, बोलो मुझे पेट में दर्द है, डॉक्टर सबसे पहले पूछेगा कल रात को आपने क्या खाया था। आप शायद डॉक्टर के साथ फाइटिंग करो, मैं बोल रहा हूँ मेरा पेट में दर्द अभी है, आप रात की बात क्यों कर रहे हैं? तो डॉक्टर बोलेंगे नहीं, ये
पूर्व में रात को आपने क्या खाया था उस पर डिपेंडेड है आपका ये सुबह का जो पेट दर्द है, उससे कनेक्टेड है, इसको मैं अलग नहीं कर सकता। उसी तरह से हमारे साथ जो हो रहा है ये पूर्व में कनेक्टेड है, बहुत सिंपल है ये। पूर्व में हमने जो किया है उसके साथ ये बहुत डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अभी हमें यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि कर्म माने कार्य, अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, ये सब ठीक है। हम अच्छे कर्म ही करना चाहते हैं लेकिन कभी कभी बुरा फल मिलता है, उसका मतलब पूर्व के किए हुए कुछ कर्म इसमें ऐड हुए हैं। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, लेकिन एक क्वेश्चन आ सकता है, फिर ठाकुर जी इतना पेचीदा क्यों बना देते हैं, सिंपल क्यों नहीं बना सकते? हमने इस जन्म में जो भी बुरा कर्म किया है उसके बुरे फल इसी जन्म में मिल जाए, हमने जो अच्छे कर्म किए उसके अच्छे फल इसी जन्म में मिल जाए, किस्सा ख़त्म, अकाउंट्स क्लोज। इतना पेचीदा क्यों, अगले जन्म, पूर्व जन्म, आने वाले जन्म, ये सब क्यों करते हैं? तो इसके पीछे भी एक कारण है, जैसे मैं अभी बता रही थी कि कुछ कुछ सीड जो है टाइम लगता है। आप देखो, जैसे आम का पेड़ लगाओगे तो 5-6 साल लगेंगे, जैक फ्रूट का ट्री लगाओगे तो 7-8 साल लगेंगे, वही अगर आपको गेहूं और राइस आपको जो हार्वेस्ट करना है तो कुछ महीनों में हो जाएगा। तो उसी तरह से हमारे जो कुछ कर्म होते हैं जो हमने किए हैं वो इतने पेचीदे होते हैं कि उसका फल इमीडिएटली नहीं मिल सकता, बहुत ज़्यादा उसके पीछे पूरा एक गुत्थी है ना, उसको सुलझानी पड़ती है। जिस तरह से महाभारत में एक उदाहरण आता है महाराज धृतराष्ट्र का, जब धृतराष्ट्र कृष्ण को पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे आंखों के सामने मैंने मेरे 100 बच्चों को मरते हुए देखा, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मैंने ऐसा तो क्या कर्म किया था? तब कृष्ण भगवान जो है उनको बताते हैं कि महाराज आपने जो है 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, तो एक दिन आप जंगल में शिकार कर रहे थे तो झाड़ के ऊपर में एक पक्षी बैठा था, आपने अपना बाण मारा पक्षी को मारने के लिए, पक्षी वहाँ से उड़ के चला गया। आपको गुस्सा आ गया कि अरे मैं उस पक्षी को मारने की कोशिश कर रहा था, वो बच गया, तो गुस्से में आपने क्या किया, उस झाड़ पे जो है उस पक्षी का घोंसला था जिसमें उसके 100 छोटे छोटे बच्चे थे, तो आपने क्या किया, आपने बाण से वो 100 बच्चों को मार दिया। कर्म का फल क्या होना चाहिए, आने वाले जन्म में आपके 100 बच्चे मरने चाहिए, लेकिन आपने इतना पुण्य नहीं किया था कि आपको 100 बेटे का जन्म हो, सिर्फ बेटा का जन्म होना या बेटी का जन्म, आपके पास में पुण्य हो तभी तो बच्चे होंगे ना, तो आपके पास इतने पुण्य नहीं थे कि आपको 100 बेटे हो, तो इसीलिए 50 जन्मों तक आपको इंतज़ार करना पड़ा। 50 जन्मों तक आपने पुण्य कमाए और फिर इस जन्म में आपके इतने पुण्य जमा हो गए कि एक नहीं दो नहीं आपको 100 शूरवीर बेटे पैदा हुए। अब जो है कर्म का फल जो आपका बाकी रह गया था अब इस जन्म में आपको जो है उसको भुगतना पड़ा। आपकी आंखों के सामने आपने जो किया था एज ए शिकारी, आपको भी आपने 100 बच्चों को जो है मरता हुआ देखना पड़ा। तो ये है कर्म की फिलॉसफी, राइट? कभी कभी हम सोचते हैं बट मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये छोटा बच्चा क्यों मर गया, ये तो अभी अभी जन्म लिया था, 2 महीने का था, इसने क्या गलत कर्म किया होगा। ये सब पूर्व का है ना, जिस तरह से आप कभी देखो क्रिकेट मैच देखते हो ना, कभी टेस्ट सीरीज देखो, तो आप टेस्ट सीरीज में अगर आपने फर्स्ट डे से ज्वाइन नहीं किया, आप सेकेंड या थर्ड डे से आप मैच ऑन करोगे ना, तो आप देखोगे अरे ऐसे कैसे, ये लोग का तो स्कोर 0 है और ये लोग का तो 350 से शुरू हो रहा है। नहीं, 350 से इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि वो 2 दिन से खेल रहे थे, आपने वो देखा नहीं, आप सिर्फ इस इनिंग में ज्वाइन हुए हो। उसी तरह से हम अभी कभी कभी किसी का जीवन देखते तो हम सोचते अरे ये तो कितने अच्छे हैं, इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इनके साथ ऐसा कैसे हो गया, इनका एक्सीडेंट कैसे हो गया। आपने उनके पूर्व जन्म में नहीं झाँका है ना, आपको पता नहीं उन्होंने पूर्व में क्या किया था। तो ये सब कुछ पूर्व जन्म के साथ में कनेक्टेड है। तो ये जो लॉ ऑफ कर्मा है, ये जो साइंस ऑफ कर्मा है, ये इतना अक्यूरेट है किसी के साथ में ना इंसाफी नहीं करता। जिसको जो मिलना चाहिए बस वो ही मिलता है। जैसे इंग्लिश में एक कहावत है कि जो भगवान की चक्की होती है ना, चक्की में हम क्या करते हैं, आटा पीसते हैं ना, बोलते भगवान की चक्की में जो आटा पिसता है ना वो धीरे धीरे पिसता है लेकिन एकदम महीन पिसता है, माने बढ़िया पिसाई होती है। मतलब अब देखो कभी कभी पुराने ज़माने में जो ट्रेडिशनल चक्की होता है ना आटा पीसने की, अब उसमें कुछ गेहूँ आपने डाले हैं और आप चक्की पीस रहे हो, अब क्या होता है मैं बताती हूँ। जब आप चक्की पीस रहे हो
कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ गेहूँ के दाने इधर उधर सरक जाते हैं, वो पिसते नहीं हैं, तो वो जो गेहूँ के दाने जो बच जाते हैं ना, वो दूसरे दानों पे जो है हंसते हैं, अरे ये तो पूरा पिस गया, पाउडर हो गया, मैं तो बच गया। लेकिन उसे पता नहीं है जो ये घोल घूम के चक्की फिर से आएगी ना, तब ये दाने भी पिस जाएंगे। तो उस तरह से हम भी जो है ये गेहूं के दानों के तरह उछलते हैं। जब हम देखते हैं ना किसी के साथ बुरा हो रहा है, कोई मर रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, हम सोचते हैं मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, सबको सबके कर्म के अनुसार होगा, किसी का जल्दी, किसी का देर से, अपने पूर्व में किए हुए कर्म के आधार पर उसे फल तो मिलेगा, क्योंकि भगवान की जो ये चक्की है ये धीरे धीरे पीसती है, लेकिन महीम पीसती है, कोई भी एस्केप नहीं कर सकता। कोई भी जो है भगवान के जो न्याय है वो इंडियन पुलिस जैसा नहीं है कि आपने थोड़ी सी रिश्वत दे दी और आपका साइन हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं चलता वहाँ पर। जिसने जो कर्म किए उसे भुगतने ही पड़ेंगे। तो वन हैज़ टू बी सो सो केयरफुल कि आप क्या कर्म कर रहे हो। अब कोई ये बोल सकता है लेकिन अगर हमें कर्म के बारे में ज्ञान नहीं हो तो, इग्नोरेंट हम अगर हम पता नहीं, अज्ञान है तो नहीं। अगर आप अज्ञानी है तो ये भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मुझे पता नहीं था इसलिए मुझे कर्म का फल नहीं लगेगा। नहीं, आपको पता हो पता ना हो, कर्म का फल आपके ऊपर में लागू तो है ही है। जिस तरह से ना एक आदमी एक बार एक बाइक में जा रहा था, तो ट्रैफिक लाइट में आपको क्या करना पड़ता है, रेड लाइट आएगी तो आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है। अब नई गाड़ी खरीदी थी, एकदम आनंद में जा रहा था, तो देखा ट्रैफिक लाइट है, रेड लाइट है, तो वो रुक गया। लेकिन उसने क्या देखा, एक भैंस जो है वो चली जा रही थी रेड लाइट में, वो रुकी नहीं। तो इस आदमी को लगा रही है भैंस इतनी आराम से चली जा रही है तो मैं क्यों नहीं जा सकता, तो वो भी चला गया। जैसे उसने ट्रैफिक लाइट क्रॉस की तो ट्रैफिक पुलिसमैन ने उसको पकड़ लिया, बोले सर आपको फ़ाइन लगेगा। अब इसने ट्रैफिक पुलिसमैन से पूछा कि सर आपने मुझे क्यों पकड़ा, आपने इस भैंस को क्यों नहीं पकड़ा, वो भी तो चली जा रही थी। फिर उस ट्रैफिक पुलिसमैन ने जो है उसको मजाक करते हुए बोला, क्योंकि आप इस भैंस से भी बड़े भैंस है, बड़े भैंसा है आप, क्योंकि आपको इतनी बुद्धि नहीं है, भैंस को तो पता नहीं होता है कि रेड लाइट में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको तो पता होता है ना, इसलिए आपको जो है फ़ाइन देना ही पड़ेगा। तो ये बात है, ट्रैफिक पुलिसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो हमें ज्ञान दे रेड लाइट में क्या करना चाहिए, ग्रीन लाइट। अगर आपने गाड़ी खरीदी है तो आपको ट्रैफिक लाइट का, ट्रैफिक के जो रूल्स हैं आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो ये प्रकृति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमें ज्ञान दे कर्म का। आपको अगर मनुष्य जन्म मिला है तो आपको इस ज्ञान को जो है पाके उसके अनुसार आचरण करना है। ये भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, उसके साथ में इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिला है भगवद गीता का, तो उसके अनुसार हमारे जीवन में हमें उसको अपनाना चाहिए। भगवद गीता के 4th chapter 17th श्लोक में बोलते हैं गहना कर्मनो गति, ये जो कर्म की गति है गहना, बहुत मुश्किल है समझने के लिए। तो ठाकुर जी बोलते हैं इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अध्ययन करो, आप समझो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। और उसी परपोट में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें इस ज्ञान को समझना चाहिए, हमारे जीवन में उसका आचरण करना चाहिए, भगवान से संबंध बनाना चाहिए। ये हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का सारांश है। क्योंकि अगर हम समझेंगे ही नहीं कर्म क्या है, हम समझेंगे ही नहीं, तो हम इस भौतिक जगत में बस फंसे हुए रह जाएंगे। ये कर्म का ज्ञान जब हमें मिलता है तो हमें पता चलता है कि हमारी गलती कहाँ हो रही है। अदरवाइज़ हमारा जीवन कैसा है ना, किसी आदमी को अगर आपने काली पट्टी बांध दी हो और एक अंधेरे कमरे में ले गए और उसको हर जगह से लोग पीट रहे हैं, मार रहे हैं, उसको पता भी नहीं चल रहा है मुझे कहाँ से मार मिल रही है, क्यों मार मिल रही है, मैंने क्या गलती की। तो जब आपको कर्म के ज्ञान का, कर्म के विज्ञान का नॉलेज नहीं है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सफ़र क्यों कर रहे हो। लेकिन जब आपको ये नॉलेज मिलेगा तो आपको पता तो चलेगा कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये सफरिंग क्यों हो रहा है, मैं ऐसे सिचुएशन में क्यों हूँ। तो अज्ञान जो है कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, इग्नोरेंस जो है कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। हमें शास्त्र पढ़ के इस विज्ञान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सी हमारा, अगर आप कोई होटल में गए सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपने होटल में बहुत सारी चीज़ें मंगवाई, कोई जूस मंगवाया, कोई मिल्क शेक मंगवाया, कोई पिज़्ज़ा मंगवाया, पेट भर के खाया, और उसके बाद जब आपको बिल आता है होटल में, और अगर आप बोलते हो होटल वाले को अच्छा
इसका बिल भरना था, मुझे पता नहीं था। तो होटल वाला क्या बोलेगा, अच्छा आपको पता नहीं था, कोई बात नहीं मैडम, आपको बिल पे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको पता नहीं था। क्या होटल वाला ऐसा बोलेगा? नहीं, वो बोलेगा आपको पता हो ना हो बिल तो पे करना पड़ेगा। तो उसी तरह से कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं था, नहीं आपको पता हो नहीं हो, आप जो भी कर्म करते हो उसके फल जो है आपको भुगतने ही पड़ते हैं। सो अभी हम जो इस कलयुग में है, ये हमारा जो जीवन है, ऑलरेडी हम काफ़ी थर्ड क्लास फोर्थ क्लास लोग हैं, क्योंकि जो थोड़े थोड़े अच्छे थे वे तो सतयुग में भगवत धाम चले गए, जो थोड़े और बेकार थे वो त्रेता युग में, थोड़े और द्वापर युग में, लेकिन जो तीनों युगों में भी केयरलेस थे, भगवत धाम जा नहीं सके, वो कलयुग में रह गए। तो कम से कम अब हमें जो है बहुत सीरियस होना है, सीरियसली लेना है हमें। जिस तरह से आप देखो कभी कभी कोई जेल में, जो जेल में कौन जाता है, कोई गलत काम करता है तो जेल में जाता है। तो आप देखिए जेल में भी जो कैदी लोग होते हैं उन्हें अच्छा ज्ञान देने के लिए, उन्हें मॉरल वैल्यूज़ एथिकल वैल्यूज़ समझाने के लिए काफ़ी NGOs जाते हैं वहाँ पे, उन्हें समझाते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे इस्कॉन में भी प्रिजन मिनिस्ट्री है, हम भी जाते हैं इस्कॉन विशाखापट्टनम, हम भी यहाँ पे सेंट्रल प्रिजन में जाते हैं, आपके ब्रह्म कुमारी वाले जाते हैं, रामकृष्ण मिशन वाले जाते हैं, चिन्मय मिशन वाले जाते हैं, बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाएँ जो है प्रिजन में जाती है, वहाँ कैदियों को जो है भगवद्गीता का ज्ञान देते हैं, कुछ अच्छी बातें बताते हैं। लेकिन उस कैदियों में भी कभी कभी कुछ ऐसे कैदी होते हैं ना जिनका बिहेवियर चेंज नहीं होता। कुछ अच्छे कैदी होते हैं जो ये सारी अच्छी बातें सुन के बिहेवियर चेंज करते हैं, तो उनका जो प्रिजन का जो अवधि होती है ना, कितने साल उनको रहना है, वो थोड़ा सा कम करके उनको छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग ना इतनी अच्छी बातें सुनने के बाद भी उनका व्यवहार चेंज नहीं करते, ऐसे लोगों को क्या करते हैं ना, ऐसे लोगों को ना काल कोठरी में डाल देते हैं, जहाँ पे दूसरे कैदियों के साथ भी वो बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो उनको काल कोठरी में डाल देते हैं, तो वहाँ तो क्या है, अब उनको ना कोई सत्संग पहुँचेगा उन तक, ना कुछ, उनको ऐसा रख दिया जाता है। तो अब उनका कोई एक्सेस ही नहीं है अच्छी बातें सुनने के लिए, क्योंकि उनका केयरलेस बिहेवियर, उनका बैड बिहेवियर, वो दूसरे कैदियों से कभी कभी फाइटिंग करते हैं, कभी किसी को पुश कर देते हैं, तो उनको ऐसे डाल दिया जाता है। तो एक्चुअली हमारी सिचुएशन भी ऐसी, हम भी कुछ ऐसे ही है, इसीलिए हमें कलयुग में जो है फेंक दिया गया है, क्योंकि हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, हम केयरलेस है, हम भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते। लेकिन भगवान कृष्ण जो न्यायाधीश है, हमारे साथ न्याय करते हैं, वे न्यायाधीश तो है लेकिन वे एक पिता भी है, और उनका जो ये पिता वाला हृदय है ना, वो बहुत कोमल है, बहुत करुणा से भरा हुआ है। तो इसीलिए वे क्या करते हैं, न्याय तो करते ही है, लेकिन क्योंकि उनके पास में पिता का हृदय है, जब हमको ऐसी काल कोठरी में डाल दिया जाता है, तो वहाँ पे भी वे श्रीला प्रभुपाद जैसे किसी शुद्ध भक्त को भेजते हैं हमें बचाने के लिए। तो इसीलिए हम ये जो कलयुग की काल कोठरी में है, श्रीला प्रभुपाद जी आए हैं हमें ज्ञान देने के लिए, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, हम क्यों इधर फंसे हुए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कृष्ण कौन है, हमें उनके साथ कैसे संबंध बनाना चाहिए। तो ये सारा ज्ञान देने के लिए कभी कभी ठाकुर जी अपने खुद पार्षद, अपने स्व पार्षद को भेजते, या तो कभी कभी वे खुद ही आ जाते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में वे खुद ही आ गए और अपने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करके जो है सब जीवों को उद्धार करने के लिए वे इस कलयुग में आए हैं। तो ये है कर्म का विज्ञान, हमें बहुत बहुत केयरफुली इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान जो है वे बड़े ही जस्ट है, सटीक न्यायाधीश है, वे कभी किसी के साथ में गलत न्याय नहीं करते। अब आपको कभी ये प्रश्न आ सकता है कि हम कभी कभी देखते हैं एक साथ में हजारों लोगों की मौत हो जाती है, कभी कभी फ्लाइट क्रैश हो जाता है, कभी कभी भूकंप आ जाता है, कभी हमने देखा कोई केदारनाथ गए थे भक्ति बद्रीनाथ केदारनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए, तो एक साथ में हजारों लोग मर गए, तो यहाँ कहाँ से कर्म का न्याय आ गया। तो शास्त्र में बताते हैं कि कभी अगर हम देखें कि एक साथ में हजारों लाखों की मौत हो भी जाए, तो भी एक आदमी की मौत भी ब्लाइंडली नहीं हुई है या अनदेखा नहीं है, हर एक चीज़ एकदम कैलकुलेटेड है। क्योंकि आप देखो कभी कभी, आप एग्जांपल्स अपने रियल लाइफ में भी देखोगे, कोई आदमी जा रहा है फ्लाइट पकड़ने के लिए, बीच में गाड़ी ख़राब हो गई, ब्रेक कुछ फेल हो गई या कुछ रिपेयर वर्क आ गया, फ्लाइट मिस हो गई। अब वो जो बंदा है एकदम दुखी हो जा रहा है, अरे मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। एक दो घंटे के बाद में न्यूज़ आता है जो फ़्लाइट उसने मिस कर दी थी वो क्रैश हो गई, फिर उसको लगता है अरे मैं तो बच गया। कभी कभी आप देखो जैसे लातूर में जब भूकंप आया था,
तब हज़ारों लोग मर गए। तो उस हज़ारों लोग जो मर गए थे, 2, 4, 10 दिन तक जो है वॉलंटियर्स क्या कर रहे थे, मतलब घरों में जाके जहाँ पे स्लैब्स पड़े हुए हैं वहाँ से स्लैब्स निकाल निकाल के लाशों को बाहर निकाल रहे थे। तो उसमें एक बार हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था कि कैसे किसी के घर में वे गए थे और वहाँ जब वो स्लैब को निकाल रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक माँ जो है अपने छोटे से 1 महीने के शिशु को जो है दूध पिला रही थी और उसके सिर पर स्लैब गिर गया तो वो मर गई, लेकिन बच्चा जो है 4 दिन से जिंदा है, माँ की गोदी में जो है वो खेल रहा है, तो वहाँ ही वो स्तनपान दूध पी रहा है और जिंदा है। तो फिर ये लोग जो है उस बच्चे को जो है वे रेस्क्यू करते हैं। तो कभी कभी जब हम ऐसा इंसिडेंट देखते तब हमें समझ में आता है कि हाँ ये तो ठीक है, हज़ारों लाखों की मौत हो गई लेकिन उसमें से कुछ लोग बच गए। उसका मतलब ये सब जो मरे हैं उनकी भी कोई पूर्व के ऐसे कर्म होंगे, इसलिए जो सबने जिन्होंने सब एक टाइप के कर्म किए थे वे भगवान उन सबको एक जगह में लाए हैं और उसी तरह से जो है उनकी मौत होती है। तो कुछ भी जो है ब्लाइंडली नहीं होता, हर एक चीज़ जो है कैलकुलेटेड होता है, किसके साथ कब क्या होने वाला है, हाँ कौन बच जाएगा कौन रह जाएगा, लेकिन कब होगा, किसके साथ कैसा होगा, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, किसके कर्म के फल इस जन्म में मिलेंगे, किसके आने वाले जन्म तक ट्रांसफ़र किए जाएगा, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, इसका कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, ये सब भगवान खुद डिसाइड करते हैं। श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं ना, 3rd canto 31st chapter 1st shloka बोलते हैं कि दैव, ये जो कर्मणा दैव, ये भगवान, दैव माने भगवान, उनके सुपरविजन में होता है, वे डिसाइड करते हैं किसको कब क्या कैसे फल मिलेगा। तो इसमें कोई सिंपल कैलकुलेशन नहीं है कि हमने फीड कर दिया तो हमें समझ में आ जाएगा, तो ये सब भगवान खुद अपना ही डिसाइड करते हैं। तो ये है कर्म का बेसिक थिंग कि क्या कर्म है, क्या अच्छे कर्म है, क्या बुरे कर्म है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम जो ये कर्म क्या ज्ञान ले तो उसके बाद में हम बिल्कुल लेज़ी हो जाए। आप माता जी आप तो बोल रहे हैं ना कि सब कुछ प्री डिस्टाइंड है, पूर्व निर्धारित है, तो मुझे काम करने की ज़रूरत ही क्या है क्योंकि आपने तो बोला पूर्व में जो लिखा है वही होने वाला है, तो मैं ना काम करना बंद कर दूंगा। तो कुछ लोग तो दैववादी होते हैं, कुछ भी मेरे काम करने से तो होने वाला है नहीं, पूर्व के प्रकार ही होने वाला, तो मैं काम ही क्यों करूं। जिस तरह से विदुर ने जब धृतराष्ट्र को बोला कि तुम दुर्योधन को रोकते क्यों नहीं है, दुर्योधन इतना बुरा कर्म कर रहा है, तो धृतराष्ट्र जो है बोल रहा है अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो कर्म की गति न्यारी है, पूर्व के कर्म है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो कुछ लोग जो है दैववादी, एकदम लेज़ी बन जाते हैं। कुछ लोग हैं कर्मवादी, सब कुछ कर्म की वजह से ही हो रहा है, तो मुझे कर्म करना है, मुझे भगवान के साथ क्या कंसर्न है, आपने ही बोला कॉज एंड अफेक्ट, अच्छा काम करो अच्छे फल, बुरा काम करो बुरे फल, ठीक है तो मैं अपना देख लूँगा, भगवान से प्रार्थना करके क्या फ़ायदा है, मेरे कर्म के अनुसार मुझे फल मिलना है, तो उसमें भगवान का क्या रोल है मेरे लाइफ में। तो कुछ एकदम कर्मवादी बन जाते हैं, कुछ एकदम दैववादी बन जाते हैं, लेज़ी बन जाते हैं। पर जो भक्त है वो ना कर्मवादी है वो ना दैववादी है। भक्त क्या करेगा, कर्म करेगा, अपना 100% काम करेगा, लेकिन उसे पता है कि कर्म इज इक्वल टू परिणाम नहीं है, कर्म प्लस पूर्व जन्म कर्म प्लस भगवान की इच्छा इज इक्वल टू परिणाम। तो इससे क्या होता है, फिर उसे फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है क्योंकि अब उसके पास में रियल नॉलेज है कि मेरे कर्म करने से ही सीधा परिणाम नहीं है, मेरे कर्म इस जन्म के प्लस पूर्व जन्म के प्लस भगवान की इच्छा इज इक्वल टू परिणाम। समझ में आ रही है ये बात, तो ये बात है। तो ना हम दैववादी है ना हम कर्मवादी है, हम कर्म 100% करते हैं लेकिन परिणाम की आशा नहीं करते क्योंकि हमें पता है परिणाम भगवान के हाथ में है, तो हम परिणाम जो है वो भगवान के हाथ पे छोड़ देते हैं। तो इसीलिए ये कर्म का ज्ञान लेना आजकल के ज़माने में और भी ज़रूरी है क्योंकि हम देखते हैं सुइसाइड्स हो रहे हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों होता है सुइसाइड, क्यों होता है डिप्रेशन, क्यों लोग सफ़र करते हैं मेंटली, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है प्लस प्लस, उन्हें सिर्फ इतना ही पता है कि हम मेरे कर्म के अनुसार मुझे रिजल्ट मिल गया, तो उसमें उनको फ्रस्ट्रेशन होता है। क्योंकि सी लोगों का क्या मानना है, वो सोचते हैं जीवन सिर्फ बर्थ टू डेथ है, माने जब से जन्म लिया और जब मर गए, ये जो पूरा जीवन काल है दैट विल डिसाइड माई फ्यूचर। नहीं, पूर्व में क्या किया था, बिफोर बर्थ आफ्टर डेथ सब कुछ कैलकुलेशन होता है। और जिसको ये ज्ञान हो जाता है
उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, क्योंकि अगर उसने मेहनत की है और फिर भी उसे अच्छा फल नहीं मिलता है तो वो सोच लेता है कोई बात नहीं, मे बी माई पास्ट इज़ मोर पावरफुल देन माई प्रेजेंट, मेरा पूर्व शायद बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मेरे प्रेजेंट से ज़्यादा पावरफुल है, तो वो अपने आप को जो है मना लेता है, इसमें भगवान की इच्छा है, इसमें मेरा कुछ अच्छा ही होगा, ये मेरे कुछ उसी मेरे पूर्व के कर्म होंगे, तो ये सारी बातें उसको समझ में आती है तो वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता, राइट और दूसरी बात ये है कि अगर कर्म का ज्ञान हो तो इंसान गलत काम ना करे। से अगर फॉर एग्जाम्पल अब देखो, अगर ऐसा कोई रूल बना दे कि आपको ट्रैफिक रूल फॉलो करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, तो कितने लोग फॉलो करेंगे? कोई नहीं फॉलो करेगा, रेड लाइट आएगा तो भी सारे चले जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि आप ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करोगे तो जो ट्रैफिक पुलिस मैन है वो चिट आपको फाइन करेगा, इसलिए आप डर के जो है ट्रैफिक लाइट फॉलो करते हो। बहुत लोग तो बस देखते ही रहते हैं कि ना वो नाके पे जो है ट्रैफिक पुलिस मैन है कि नहीं है, नहीं है तो भागो, रेड लाइट की देखते भी नहीं है। तो उसी तरह से जब कर्म का ज्ञान हो जाता है तब इंसान जो है सतर्क हो जाएगा, नहीं मुझे बहुत केयरफुल रहना है, मैं जो बोलता हूँ, चलता हूँ, घूमता हूँ, व्यवहार करता हूँ, हर एक पल हर एक क्षण मैं जो कार्य कर रहा हूँ, मैं बीज बोने का काम कर रहा हूँ तो मुझे बहुत केयरफुल रहना है कि मैं कौन सा बीज बो रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छा बीज बोऊँगा तो अच्छे फल आएंगे, मैं बुरा करूँगा तो बुरा होगा ही, मैं एस्केप नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं देखा मैंने ये कर लिया, देख 24 आवर्स CCTV कैमरा लगा हुआ है हमारे पीछे, हर एक चीज़ हमारी नोट डाउन हो रही है, कंप्यूटर में फीड हो रही है, ऊपर में हम क्या कर रहे हैं पक्का उसका फल जो है हमें भोगतना है। तो ये जो है कर्म का विज्ञान बहुत बहुत ज़रूरी है, सो दैट हम लोग हमारे जीवन में राइट चॉइस कर पाएंगे, और हम जब राइट चॉइस करेंगे तब हम भगवत धाम जा पाएंगे, क्योंकि हम अच्छे कर्म करेंगे तो फिर अच्छे भोगतने के लिए यहाँ रुक जाएंगे, बुरे करेंगे तो बुरा फल भोगतने के लिए इस भौतिक जगत में रह जाएंगे, लेकिन जब हम भक्ति करेंगे भगवान की तब ये जो पूरे कर्म का जो चक्र है उससे हम बाहर निकल आएंगे। अभी किसी को ये प्रश्न आ सकता है, लेकिन भगवान कृष्ण ने तो बोला है भगवद्गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जो भगवान को सरेंडर करता है उसको तो भगवान उसके सारे पाप ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि भक्त लोग भी सफ़र कर रहे हैं, भक्त लोग के जीवन में भी दुख आता है, वे भी कभी कभी एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं, उनको भी कोविड हो सकता है, उन्हें भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो ये कैसे हो गया? जब भगवान बोलते हैं कि मैं सारे पाप हर लेता हूँ, तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि भगवान सारे पाप अवश्य हर लेते हैं, लेकिन कभी कभी भक्तों के जीवन में जो दुख आता है वो सैंपल दुख होता है, मतलब अगर उनको 100% दुख मिलने वाला होता है तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान उनको रिड्यूस करके 20% कर देता है। तो अब आप बोलेंगे माता जी ये 100% 20% 80% का क्या चक्कर है, पूरा 100% भगवान निकालो और हमें भगवत धाम ले जाओ। हाँ ले जाएंगे, पहले आपकी सफाई करनी है ना, जिस तरह से एक बच्चा खेल के आता है तो एकदम मट्टी मट्टी वाला होता है ना, फिर माँ क्या करती है उसको नहलाती है, उसको शुद्ध करती है, उसके बाद में घर में ले जाती है। तो उसी तरह से हम जब देखते हैं कि भक्त लोग सफ़र कर रहे हैं तो बेसिकली ये जो है ये ठाकुर जी थोड़ा सा सैम्पल उनको दुख इसलिए रखते हैं सो दैट वे मटीरियल वर्ल्ड में कंफर्टेबल ना हो जाए, नहीं तो क्या होगा, सारे दुख हर लेंगे तो क्या सोचेगा, अरे यहाँ कितना अच्छा है, कितना कंफर्टेबल है, भगवत धाम जाने की ज़रूरत ही क्या है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा भगवान याद कराते कि बेटा ये तुम्हारा परमानेंट प्लेस नहीं है, तुम्हें तो वहीं आना है, और ये मटेरियल नेचर ही ऐसा बना हुआ है, दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ पे अगर आपके सारे पाप कर्म भगवान ले भी ले तो भी यहाँ पे सुखी कोई नहीं रह सकता, क्योंकि इसको सृष्टि ही ऐसा तरह से किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अगर कोयले के खान में जाता है जहाँ पे सब कुछ काला काला है और आपने वाइट कपड़े पहने हुए हुए तो 100% आपके वाइट में थोड़ा सा डार्क तो लगेगा ही लगेगा, आप कितनी भी कोशिश करो, क्योंकि आप कोयले के खान के अंदर में जा रहे हो, वहाँ सब कोयला ही कोयला पड़ा हुआ है। तो आप भगवान को सरेंडर कर दोगे फिर भी, क्योंकि आप इस भौतिक जगत में हो इसलिए थोड़ा सफरिंग तो आपको होगा ही, और सी ये सफरिंग भी ठाकुर जी हमारे हित के लिए करते हैं सो दैट हम उनके पास वापस चले जाए। जिस तरह से बहुत बार डिवोटीज प्रश्न करते हैं कि हम देखते हैं कि बलि महाराज इतने अच्छे भक्त हैं, इतने शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने भगवान को सब कुछ समर्पण कर दिया, फिर भी भगवान ने उन्हें उनको बांध दिया, भगवान ने उन्हें चीट किया, भगवान ने उनके साथ धोखा किया, तो वो ऐसा क्यों किया भगवान ने? तो भगवान ने उनके साथ धोखा नहीं किया, ये क्या है, जिस तरह से कभी कभी आप देखो ना बच्चे के हाथ में ना कभी गलती से चाकू उठा लिया
अब आप चिल्लाओगे ना छोटे बच्चे के, ए चाकू चाकू रख दो रख दो, वो कहीं अपने आप को लगा देगा। अब आपको इतना केयरफुल रहना पड़ता है, अगर उसके हाथ में चाकू है तो आप कुछ नहीं कर सकते। पहले आपको धीरे धीरे बोलना चाहिए, ए लो चॉकलेट लोगे, फिर वो क्या करेगा, एक हाथ से चॉकलेट लेगा, चाकू अभी भी उसके हाथ में, आप खींचोगे तो आपको लग जाएगा, आप खींच नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसके दूसरे हाथ में चॉकलेट दोगे। फिर वो क्या करेगा, चॉकलेट इंटरेस्टिंग लगेगा ना, फिर धीरे धीरे चाकू नीचे रख के वो चॉकलेट खोल के खाने लगेगा। तो उसी तरह से जो है भगवान भी बलि महाराज के साथ यही किए हैं। बलि महाराज से भगवान जो है बोले है दो पग भूमि चाहिए, तो भगवान ने उससे सब छीन लिया, उसके पास जो भी था वेल्थ, लेकिन भगवान ने उसको एक्सचेंज में क्या दिया, भगवान ने अपने आप को ही दे दिया बलि महाराज को। भगवान उसके वॉचमैन बन गए, उसके सिक्योरिटी गार्ड बन गए। तो बलि महाराज जिस लोक में रहते हैं सुताल में, वहाँ भगवान उसके सिक्योरिटी गार्ड है, उसके वॉचमैन। जैसे वो जब आते हैं तो उनके लिए दरवाज़ा खोलते हैं भगवान, और एक दरवाजे पे नहीं, चारों दरवाजे पे भगवान खड़े हैं। इसलिए एक कथा आती है, क्योंकि वॉचमैन को क्या करना है, जब बॉस बाहर आते हैं तो वॉचमैन को सैल्यूट करना है ना, तो अब बलि महाराज उस चारों द्वार में से कौन से द्वार से बाहर आएंगे पता नहीं है, तो इसलिए भगवान को जो है हर बार भागना पड़ता है कि कहाँ से आने वाला है। तो इसलिए एक बार लक्ष्मी देवी जाके बलि महाराज को रिक्वेस्ट करती है कि कम से कम एक कन्फर्म बोलो ना, कौन से द्वार से आप बाहर आओगे, मुझे इतना बुरा लगता है देखने में कि ठाकुर जी ऐसे भाग रहे हैं कि कौन से द्वार से बलि महाराज आने वाले हैं, तो मैं दरवाज़ा खोलूँगा। तो इतना प्यार जो है भगवान बलि महाराज को दिए है, उसकी सेवा कर रहे हैं भगवान। तो अभी आप सोचेंगे कि बलि महाराज से भगवान ने ये ले लिया वो ले लिया, तो बस ये तो ऐसी बात हुई ना कि छोटी सी चीज़ ले ली, ये तो ऐसा हो गया किसी बच्चे के हाथ से आपने दो चॉकलेट ले ली, लेकिन आपने अपनी पूरी प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम पे कर दी, तो ये तो बहुत अच्छी अच्छी वाली चीटिंग हो गई, बहुत प्यारी वाली चीटिंग हो गई इस बच्चे के साथ। तो भगवान भी हमारे साथ यही करते हैं, हम सोचते हैं कि ये ले लिया, ये छीन लिया हमसे, या हमें अनकम्फर्टेबल कर दिया इस मटेरियल वर्ल्ड में, तो ये तो बुद्धू वाली बात है। अच्छा है अनकम्फर्टेबल क्या, क्योंकि ये हमारी जगह है ही नहीं, अगर अनकंफर्टेबल नहीं करेंगे तो हम तो यहीं रह जाएंगे। तो इसलिए, क्योंकि हमें तो जाना है भगवत धाम, वो हमारा घर है, वहाँ हम ज़्यादा कंफर्टेबल है, वहाँ हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ है। तो ये है कर्म का चक्कर। तो हमें गलत नहीं सोचना चाहिए कि क्या भगवान न्याय नहीं कर रहे हैं, भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं। कृष्णा इज़ ए मोस्ट काइंड पर्सन, बहुत ही करुणा से भरे हुए, बहुत ही ज़्यादा कृपालु है, राइट। सो जिस तरह से माँ अपने बच्चे का कभी कभी शासन करने के लिए कभी कभी कोई स्टेप्स लेती है, भगवान भी उस तरह से कुछ स्टेप्स लेते हैं, लेकिन वह क्रूर नहीं है। मैं पिछले क्लास में बता रही थी, कभी कभी ना जैसे मेरा बेटा जब छोटा था तो दूध बॉटल में पीते हैं, अब थोड़े दिनों के बाद उसको बॉटल छुड़ा के जो है सरला खिलाना है या कुछ चपाती सब्जी खिलानी है, तो वो खाता नहीं था, उसको बॉटल में दूध पीना है ईजी हो जाता है, बस लिक्विड पी लिया। तो मेरी मदर ने मुझे अच्छी आइडिया दी, बोले तुम ऐसा करो, बॉटल के अंदर में जो टॉय कॉकरोच आता है ना खिलौना वाला, उसको डाल दिया मैंने। तो दूसरी बार जब उसने मुझे बोला कि नहीं मेरे को दूध पीना है, तो मैंने दिखाया, देखो तुम्हारे बॉटल में कॉकरोच है, तो उसको इतना गंदा लगा, उसने बोला मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं पीऊँगा, फिर ग्लास में पीने लगा, फिर धीरे धीरे जो है खाना खाने लगा। अब कोई सोच सकता है ये माँ कितनी क्रूर है, बेचारा दूध मांग रहा है और ये माँ बॉटल के अंदर में कॉकरोच डाल के दिखा रही है, देखो तुम्हारे बॉटल में कॉकरोच है। शायद कोई इस फ्रेम को देख के ऐसा समझ सकता है, लेकिन जिसमें थोड़ी सी बुद्धि है वो समझ सकता है नहीं नहीं वो अच्छे के लिए कर रही है, क्योंकि अब दूध से उसका पोषण नहीं होगा, उसको अभी चपाती सब्जी दाल भात खाना चाहिए। बस भगवान भी ऐसे माँ की जैसे ही है, कभी कभी उनके व्यवहार हमें समझ में नहीं आते, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन वो हमारे शुभ इच्छक है, वे हमारे श्रेयो अभिलाषी है, वो जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं, तो ये विश्वास हमें होना चाहिए। तो कर्म का ये जो विज्ञान है हमें समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे तो कभी कभी हमारी भक्ति जीवन में भी हम गलत गलत जजमेंट कर लेते हैं, गलत गलत कंक्लूजन बना लेते हैं, है ना। तो कभी कभी जैसे मैं बता रही थी कि किसी को लग सकता है कि बहुत बेसिक टॉपिक है, हम तो जानते हैं ये जो आपने बताया अच्छे कर्म बुरे कर्म, ये तो हम सालों से जानते हैं। नहीं, बात जानने की नहीं है, बात जीवन में आचरण करने की है। कितनी बार अपने डे टू डे लाइफ में आप इस बात के कॉन्शियस हो, जागरूक हो, कितनी बार आप जागरूक हो, अब जागरूक हम नहीं है जागरूक, इसीलिए तो हम दूसरों को ब्लेम दे देते हैं। हमारे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम बोलते हैं इसके वजह से मैं दुखी हूँ, इसने ऐसा किया इसलिए मेरा वो पार्टी पूरा ख़राब हो गया, इसने ऐसा किया इसलिए मेरा बिजनेस फेल हो गया, इसके वजह से मैं कर नहीं पाया मेरा सेवा। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें कर्म का ज्ञान नहीं है। जिसको कर्म का ज्ञान होगा वो दूसरे को दोष देगा ही नहीं,
क्योंकि उसको पता है कि कोई और मेरे लाइफ में कुछ इंटरफेयर कर ही नहीं सकता, ये सारे मेरे पूर्व जन्म के किए हुए ही फल है। इसलिए जीव गोस्वामी बोलते हैं ना, जीव गोस्वामी बोलते हैं कि सही मायने में हमें ये समझना चाहिए कि इस दुनिया में सब लोग अच्छे हैं, लेकिन मेरे कर्म इतने बुरे हैं कि ये सारे अच्छे लोग मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बुरे कर्म अभी उदय हुए हैं, अपियर हुए हैं, इसलिए उनका व्यवहार मेरे साथ बदल गया है। जब मेरे अच्छे कर्म आते हैं तब सब मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, जब मेरे बुरे कर्म का उदय होता है तब सारे मेरे साथ बुरी तरह से व्यवहार करते हैं। जिस तरह से सूर्य उदय होता है फिर सूर्य अस्त होता है, उसी तरह से हमारे ये जो कर्म है, कभी कभी अच्छे कर्म के फल आते हैं एक वेव जैसा, जैसे समुद्र में ढेव नहीं होते लहरें, कभी लहरें आती है फिर थोड़ी देर के बाद में लहरें वापस चली जाती है, उसी तरह से हमारे जीवन में भी कभी कभी लहरें आती है अच्छे कर्म की, तब सब कुछ अच्छा हो जाता है, फिर आते हैं बुरे कर्म की लहरें, जो हमने पूर्व में बुरा काम किया है फिर उसका बुरा फल जो है हमें भुगतना पड़ता है। तो ये लहरें आती है जाती है, हमें इसके बारे में ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। इसीलिए आप देखिए श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा की स्तुति आती है 10th canto में, 8th chapter, वहाँ पे ब्रह्मा बोलते हैं एक श्लोक में, श्लोका नंबर 14 में बोलते हैं, तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष मानो भूंजान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुभि विदधन नमस्ते। क्या बोल रहे हैं कि तत्तेनुकंपा, जो भक्त है उसे क्या करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए, जब भी हमारे साथ में कुछ बुरा हो अच्छा हो हमें ये सोचना चाहिए ये तो मेरे पूर्व जन्म के कर्म है और उसे सहन कर लेना चाहिए। और उसके बाद बोलते हैं हृद्वाग वपुर भीर, और सहन तो करना चाहिए, उसके साथ साथ क्या करना चाहिए, हृदय से वाणी से शरीर से भगवान को नमस्कार करना चाहिए और पेशेंटली वेट करना चाहिए, कोई बात नहीं भगवान अपनी दया मुझ पर ज़रूर दिखाएंगे। तो ब्रह्मा अपनी स्तुति में कृष्ण भगवान से ये कहते हैं कि जो भक्त ऐसा टॉलरेट करता है अपने पूर्व के कर्म समझ के हर एक स्थिति को एक्सेप्ट करता है और भगवान की दया के लिए इंतज़ार करता है, वो दया भक्त भगवान के दया का सटीक पात्र बन जाता है। और उस श्लोक के कमेंट्री में प्रभुपाद जी बताते हैं, श्रीधर स्वामी का कमेंट्री देते हुए कहते हैं कि जिस तरह से अगर पिता की प्रॉपर्टी किसी बच्चे को चाहिए तो उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ ज़िंदा रहना है, अगर वो ज़िंदा रहेगा तो पिता के मरने के बाद नेचुरली उसको सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी, उसके लिए उसे विशेष कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हम भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में ज़िंदा रहे, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने आप से हम भगवान के दया भाग दया के पात्र बन जाएंगे, हमें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस छोड़ना नहीं है, बस हमें सहन करना सीखना है, हर एक परिस्थिति में हमें टॉलरेट करना है। और ये टॉलरेट करने की शक्ति कैसे आएगी, जब हमारे हमें ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि ज्ञान नहीं बढ़ेगा ना तो फिर हम टॉलरेट करेंगे तो भी बहुत दुखी होते हुए, क्या करें मुझे टॉलरेट करना पड़ रहा है, नहीं दुखी हो कि नहीं, जो भी हो रहा है सिचुएशन जीवन में तुम्हारे पूर्व के किए हुए कर्म ही है, इसलिए तुम रिजॉइस आनंद करते हुए सहन करो, क्योंकि जब भी तुम्हारे साथ कोई बुरा करेगा तो तुम समझ लो अच्छा मैंने पूर्व में बुरा किया था, इसने मेरे साथ बुरा कर लिया, साइकिल कम्प्लीट हो गई, फिनिश। क्योंकि देखो जिस तरह से अगर बैंक में से आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो क्या होगा, एक दिन बैंक में बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो उसी तरह से जब परिस्थिति विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे जो पूर्व के खराब कर्म जो बुरे कर्म है उसका बैलेंस धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, चेक विड्रॉ हो रहा है, एक दिन बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो जब ये ज्ञान आ जाएगा तो हर परिस्थिति को हम खुशी सहन कर पाएंगे, क्योंकि आप दुखी हो या खुश या आप सुखी हो परिस्थिति तो आपको सहन करना है, आपकी इच्छा है आप किस तरह से जीना चाहते हो, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है, कुछ स्वतंत्रता हमारे पास है कुछ हमारे पास नहीं है, जितना हमारे से हो सकता है हम करते हैं, बाकी हमें भगवान के ऊपर में
छोड़ देना चाहिए। तो जब ये कर्म का विज्ञान हमें सटीक समझ में आ जाएगा तो हम कंप्लेन करना छोड़ देंगे। अदरवाइज ना हमारा हमेशा एक कंप्लेन रहता है, वाई मी मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं हमेशा अच्छा करता हूँ, मैं इतना मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे कभी भी क्रेडिट नहीं मिलता है, वाई मी आप करते रहोगे। लेकिन जब कर्म का ज्ञान हो जाएगा तब आप बोलोगे ट्राई मी, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं समझ गया हूँ ये मेरे पूर्व के कर्म है, इसमें किसी की गलती नहीं है, बस मैं अगर इसको हंसते हुए भोगत लूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये जो है ये पासिंग फेस है, जिस तरह से दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है, आप रात को रोक नहीं सकते जाने से, आप दिन को रोक नहीं सकते, उसके बाद में उसी तरह से अच्छे कर्म के फल के बाद में बुरे कर्म का फल आता है। उसका मतलब जब हम अच्छे कर्म के फल भोगत रहे हैं तभी भी हमें केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। तो प्रति एवरी सिचुएशन में हमें समा रहने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए तो भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं, जो मुझे ऐसा भक्त बहुत प्रिय है जो हर सिचुएशन में समा रहता है, समा रहता है, सुख में दुख में समा रहता है, क्योंकि वो समझता है कि ये मेरे पूर्व के कर्म है। सी हमारे साथ जो भी हो रहा है इसमें किसी और का रोल है ही नहीं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा पावरफुल कोई पर्सन है ही नहीं जो हमारी लाइफ में कोई चेंज कर सकता है या डिस्टर्ब कर सकता है। पावरफुल सिर्फ हमारे कर्म है, बस हम ही चेंज कर सकते हैं हमारी लाइफ में कुछ भी चाहे तो। हमारी हर एक कर्म एक बॉल जैसा है जो हम दीवार के ऊपर फेंक रहे हैं, और फिर जब हम एक बॉल को दीवार के ऊपर फेंकते हैं तो जब वो बॉल बाउंस आके वापस आता है हमारे पर, तब हम कंप्लेन करते हैं ये बॉल क्यों आया, पर क्यों आया मैडम, आपने फेंका इसलिए आया, लेकिन आपने फेंका वो बात आप भूल गए हो, लेकिन जब आता है तब आपको बुरा लगता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा है ना, ये बॉल आपने इस लाइफ में नहीं फेंकी है, आपने पूर्व में फेंकी होगी, इसलिए आपको उसका स्मरण नहीं है और आप कंप्लेन करते हो। कभी कभी आप देखो, आप संडे सत्संग में गए हो मंदिर में, आपका पर्स किसी ने मार लिया, मंदिर में होता है ना, चप्पल और पर्स दोनों गारंटी नहीं है मंदिर में, और किसी ने आपका पर्स ले लिया, आपके पास अब जाने के लिए पैसे नहीं है, ऑटो में आप किसी से पैसे मांग लिए, अभी 500 रुपये दे दो, कोई डिवोटी ने आपको दे दिया, आप घर चले गए। अब जब नेक्स्ट संडे आप आओगे तो डेफिनेटली वो डिवोटी आपसे मांगेगा ना, माता जी आपने 500 रुपीज़ लिए थे दे दीजिए। अब आप उसके साथ तर्क करोगे, ये मेरे से पैसा क्यों मांग रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, ये हम मुझे देखने से इसको पैसा की याद आती है, पर आप भूल गए माताजी आपने लास्ट संडे उससे 500 लिए थे। नहीं, हो सकता है आपने लास्ट संडे ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी, ये संडे आपने वाइट साड़ी पहनी थी, साड़ी आपने बदल ली है लेकिन पर्सन तो आप सेम है ना, पैसा तो आपको वापस देना पड़ेगा। उसी तरह से हम शरीर बदल लिए हैं, इस शरीर में शायद मैंने किसी से पैसा नहीं लिया लेकिन पूर्व में आपने लिया था ना, आत्मा तो एक ही है, शरीर आप बदल रहे हो, तो उस शरीर में आपने जो कर्म किया था उसका आपको भुगतना ही पड़ेगा। अब आप कंप्लेन कर रहे हो, ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मुझसे पैसा क्यों मांग रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, आपने पूर्व में उससे लिए थे, अभी आप उसको वापस देना पड़ेगा। तो ये जब आपको कर्म का सिद्धांत समझ में आ जाता है तब आपकी कंप्लेनिंग बंद हो जाती है, आपकी कंप्लेनिंग बंद हो जाती है, दूसरों में दोष देखना बंद हो जाता है, दूसरों को दोष ही ठहराना इसके वजह से मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है वो बंद हो जाएगा। जब वो बंद हो जाएगा उसका मतलब वैष्णव अपराध बंद हो जाएगा, तो हम सब भक्त हैं, डिवोटी से एसोसिएट करते हैं, फिर हम दूसरों को हमारी सिचुएशन का जिम्मेदार ठहराते हैं, फिर हम अपराध कर बैठते हैं, क्योंकि हम अपराध करते हैं, हम चैंटिंग करने के बावजूद भी हमारा चैंटिंग अफेक्टिव नहीं होता है और हम इस दलदल में फंस जाते हैं। लेकिन जब कर्म का सिद्धांत हमें क्लियर है तब हमें किसी पे कंप्लेन ही नहीं है, वी फील एवरीबडी इज़ नाइस इन दिस वर्ल्ड, तो बस हो गया, एंड देन वी कैन ऑल्सो बी नाइस टू अदर्स। सी हम अपना रिएक्शन बदल सकते हैं, हमने जो पूर्व में एक्शन किया है उसको नहीं बदल सकते, क्योंकि वो बीज आप बो चुके हो, अब आप रिएक्शन बदल सकते हो। आपने जो बीज बोया है लेमन या मैंगो, अब वो आएंगे, अब आप उस मैंगो के साथ क्या करोगे वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैंगो का झाड़ तो आएगा क्योंकि आपने बीज बोया है। तो आप क्या कर सकते हो, जब आपके साथ में कोई बुरा व्यवहार कर रहा है आप अपना रिएक्शन चेंज कर सकते हो। पूर्व में आपने बुरा व्यवहार किया था, ये आपके साथ अभी बुरा व्यवहार वापस कर रहा है, वेरी गुड, यहाँ तक इट इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन अभी आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो, आपके साथ जो बुरा व्यवहार करता है आप उसके साथ में अच्छा व्यवहार करो। जब आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे मतलब क्या हुआ, बेसिकली आप उसको बेनिफिट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को ही बेनिफिट कर रहे हो, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, आप एक अच्छा वाला बॉल डाल रहे हो दीवार पे, और क्योंकि आपने ये अच्छा वाला बॉल डाला है दीवार पे,
बस थोड़े टाइम के बाद में वो अच्छा वाला बॉल वापस आने वाला है. सो वेन एवर वी आर बीइंग नाइस टू अदर्स, बेसिकली वी आर सेल्फिश, वी जस्ट बीइंग नाइस टू आवर सेल्फ बिकॉज इट्स गोइंग टू कम बैक. ये हमें वापस आने वाला है. अब आपकी मर्जी है, आप किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहते करो, बिकॉज बेसिकली उस पर्सन का इस व्यवहार के साथ कोई आना जाना नहीं है, उसके साथ कोई संबंध नहीं है. आपका व्यवहार आपको ही वापस आने वाला है. अब आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हो. अभी प्राय मुझे जब ये कर्म का क्लास लेती हूँ मुझे क्वेश्चन आता है, लेकिन माता जी इस पर्सन के साथ मैंने इतना अच्छा व्यवहार किया शुरू से, आई वॉज सो नाइस टू हिम, सो काइंड टू हिम, ऑलवेज फॉरगिव, बट ही नेवर रेसिप्रोकेटेड. जब उसको मदद की ज़रूरत थी मैंने मदद किया, लेकिन जब मुझे मदद की ज़रूरत पड़ी उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसका क्या होता है काम. अब मैं एक बात बताती हूँ, आपके किए हुए अच्छे कर्म कभी फिजूल नहीं जाते हैं, उसका आपको पक्का अच्छा कर्म मिलेगा ही, लेकिन उसी पर्सन से मिलेगा वो गारंटी नहीं है, आपको किसी से भी मिल सकता है. जिस तरह से आप बैंक में जाते हो, आप पैसा डिपॉजिट करते हो, आप जब पैसा डिपॉजिट करते हो आपने शायद 2000 की नोट में डिपॉजिट किया होगा, 500-500 की नोटों से डिपॉजिट किया होगा, कोई बात नहीं. लेकिन जब आप चेक विड्रॉ करने जाते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो 2000 की नोट डिपॉजिट की थी वो सेम नोट आपको बैंक मैनेजर वापस दे. नहीं, वो कोई और नोट भी दे सकता है, कोई भी नोट दे सकता है. क्या आप उसके साथ फाइटिंग करोगे, मैंने 2000 की नोट दी थी तुम 500 की क्यों दे रहे हो, अरे आपको क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने 10000 डिपॉजिट किया था, मुझे 10000 चाहिए, आपने दे दिया, 500 की नोट में दो या 2000 की नोट में दो, मुझे तो पैसे से मतलब है. उसी तरह से हम कभी कभी किसी के लिए अच्छा करते हैं लेकिन वो पर्सन हमारे लिए अच्छा नहीं करता, कोई बात नहीं है. आपने डिपॉजिट कर दिया आपका पैसा आपके अच्छे कर्म, अब उस पर्सन से शायद आपको अच्छा वापस ना आए, लेकिन कोई और आपके जीवन में आएगा जो आपके साथ अच्छा करेगा. तब आप सरप्राइज हो जाएंगे कि हाउ कम ही वॉज सो नाइस टू मी, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ, इसने मेरी मदद की. क्योंकि भैया आपका डिपॉजिट है ना, किसी भी तरह से किसी भी रूप में किसी की तरह से आ सकता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि इसी पर्सन को रेसिप्रोकेट करना है. नहीं करेगा वो रेसिप्रोकेट, कोई बात नहीं है. आप अपनी अच्छी डिपॉजिट करते रहो करते रहो, आपको किसी भी रूप में कहीं भी कोई भी रूप में वो आपको जो है वापस मिल सकता है आपके किए हुए अच्छे कार्य. तो बस एक चीज़ हमें जो है मन में समझ लेनी है, बीज बोना. हम जो भी कर रहे हैं हम बीज बो रहे हैं, इसलिए जितना हो सके अच्छे बीज बोते रहो तब अच्छा फल मिलेगा. बस तो ये बात है, हमें टॉलरेट करना है, सबके साथ अच्छा बिहेवियर रखना है. और जब हमें ये बात समझ में आ जाएगी तब हम लोगों को चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, हम हमेशा हैप्पी रह पाएंगे. जिस तरह से जब आप गाड़ी चलाते हो, जब आप कार चलाते हो तो क्या होता है, कार जब आप चलाओगे तो सामने एक मिरर होता है, उस मिरर में आपको पीछे की गाड़ी दिखाई देती है. सपोज पीछे वाला गाड़ी इस तरह से चला रहा है कि आपके मिरर में दिखाई ना दे, तो आप क्या करोगे, क्या आप गाड़ी रोक के पीछे वाले के साथ झगड़ा करोगे कि तुम भैया गाड़ी ऐसे क्यों चला रहे हो, मेरे ग्लास में दिख नहीं रही है, सही से चलाओ मेरे पीछे सो देट मैं तुमको देख पाऊँ. नहीं, आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते, उसकी मर्जी जैसे वो गाड़ी चलाएगा. आप एक चीज़ कर सकते हो, आप अपने गाड़ी का ग्लास की जो सेटिंग है बदल सकते हो, थोड़ा इस तरह से उस तरह से मोड़ दोगे तो आपको वो गाड़ी दिखाई देगी. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उस पर्सन को आप नहीं टोक सकते, आप अपने आप को बदल सकते हो. सो उसी तरह से जब हमें ये कर्म का फल समझ में आ जाता है तब हमें समझ में आ जाता है कि हमारे आस पास के लोगों को हम नहीं चेंज कर सकते, वो अपने पूर्व के संस्कार पूर्व के कर्म भर भर के लेके आए हैं, आप अपने कर्म से आए हो, हम किसी के उसमें चेंज नहीं, सिर्फ हम अपने आप में चेंज ला सकते हैं. राइट, कभी कभी ये कंप्लेन होता है ना माताओं का, बच्चे बात नहीं सुन रहे, बीवी बात नहीं सुन रहे, पति बात नहीं सुन रहे, मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ. नहीं, ऐसे नहीं होगा, बिकॉज पूर्व के संस्कार बहुत सारे भर के आए हैं. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने कोई इच्छा की, हमने कुछ मन में सोचा, वो इच्छा अभी पूर्ण नहीं हुई. अब इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो अब क्या होता है, हमारे जो माइंड है उसमें डिफरेंट लेयर्स है. एक तो कॉन्शियस माइंड है जिससे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, एक सबकॉन्शियस माइंड है जो पीछे काम कर रहा है, एक अनकॉन्शियस माइंड है, एक सुपर कॉन्शियस माइंड है. ऐसे हमारे माइंड के 7 लेयर्स होते हैं. तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ इच्छा हमने की पूरी नहीं हुई, लेकिन अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे अभी नेक्स्ट क्लास देना है, कुछ और काम है, तो आप क्या करेंगे, वो इच्छा को जो है मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मैं भेज दूँगी क्योंकि यहाँ पर मेरा हार्ड डिस्क फुल है.
अब सबकॉन्शियस माइंड में वो इच्छा थोड़ी दिन रह के क्या हो जाएगी, हार्ड डिस्क फुल हो जाएगी, तो वो अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, फिर अनकॉन्शियस माइंड से और पीछे। अब इस दौरान क्या हो गया, हम मर गए तो शरीर यहीं छोड़ दिया, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे साथ जाएगा। अब ये जो हमने इच्छाएं की है, जो आधी आधी अधूरी रह गई है, वो जो है अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में हमारे साथ ट्रैवल करती है। फिर जब हम दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, तब वो जो आधी अधूरी इच्छा है वो नॉक करते हैं, क्या मैं बाहर आ सकता हूँ, क्या मैं बाहर आ सकता हूँ, आपने मुझे अंदर में फेंक दिया था। और फिर इसीलिए हम सोचते हैं कि अरे बाबा, मैं इतने सालों से जप कर रहा हूँ, फिर भी मेरी ये पुरानी आदत क्यों नहीं जाती है, ये बुरे विचार मुझे वापस क्यों आते हैं, तो इस जन्म के नहीं है, ये पूर्व के हैं, स्टोर रूम में है, वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो टाइम तो लगेगा आपको, पूरा क्लीनिंग करने के लिए टाइम लगेगा। ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बस हम चांटिंग करते रहेंगे, हम जप करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, डिवोटीज़ का शेल्टर लेंगे, अच्छे कर्म करते रहेंगे, और धीरे धीरे तो ये जो पूर्व के संस्कार जो है, क्योंकि जी अगर आपको कोई एक सी, कभी कभी आप लेडीज़ को पता है ना, किचन में ऑयल का कंटेनर होता है ना, अगर ऑयल का कंटेनर अगर आप धोओगे ना, बहुत टाइम लगता है, बहुत ग्रीस होता है उसमें, गर्म पानी में धो, सर्फ में धो, फिर भी रह जाता है, 2-4 दिन तक धोओगे तो पूरा ग्रीस चला जाएगा। उसी तरह से हमारे पूर्व के संस्कार भरे हुए हैं, इसलिए कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं मेरे पति को इतना बोलती हूँ फिर भी चेंज नहीं होता है, मेरी बीवी चेंज नहीं होती, बच्चे चेंज नहीं हो पाएंगे, चेंज उनके भी पूर्व के बहुत संस्कार भरे हुए हैं, टाइम लगेगा पूरा क्लीनिंग करने के लिए, आपके भी भरे हुए हैं, उनके भी भरे हुए हैं, उनकी भी कुछ अधूरी इच्छाएँ हैं जो उनको अभी डिस्टर्ब कर रही है, तो इट्स गोइंग टू टेक टाइम, यू हैव टू हैव पेशेंस। सो जब हम ये विज्ञान को समझते हैं, देन वी बिकम सो पीसफुल एंड सो जॉयफुल, बिकॉज नाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस होल थिंग इज वर्किंग। ये है कर्म का सिद्धांत। सो आई होप आप लोग को ये क्लास समझ में आया और मेरी वॉइस आप तक पहुंची है। 5:15 हुआ है। जो आज के प्रोग्राम के होस्ट है, उन्होंने मुझे पितृपक्ष के बारे में बताने के लिए कहा था। सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा कृष्णा।